तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कैसे होंगे। तो अभी बज के सुबह के 7:30 और देखिए सूर्य ताज के हैं। तो आज उठने में भी काफ़ी लेट हो चुके हैं और देखते हैं तो आज का शेड्यूल क्या रहता है। लेकिन मौसम सुबह बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की सी, ठंडा मौसम है, सही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो रात भी जब लेटते हैं थोड़ी देर के लिए सुनते हैं इसमें गाने, और बोर्ड का है काफ़ी अच्छी इसके साउंड है, वॉइस बहुत अच्छी आती है। कल भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि सुबह सुबह से बारिश भी हो रही है। हमारी लड्डू जा रही हैं गांव अम्मा के पास, ये 2 दिन पहले आई फिर जा रही हैं, और ये देखो पहन रहे हैं चप्पल। तो लड्डू हमारी जा रही है गांव। लड्डू बाय, लड्डू बाय, अनुराग बाय बाय लड्डू। हम जा रहे हैं संजय पैलेस, और फोन ख़राब हो गया था तो उसमें प्रॉब्लम थी, तो वो दिखाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आती है उसमें। तो हमारा हो चुका पॉपट क्योंकि यार मंगलवार है और जो मोबाइल की मार्केट है वो बंद बंद रहती है। अभी वापस आ गए हैं और अभी जो यूनिवर्सिटी है उसके पास है, देखिए कितना अच्छा वातावरण है, ठंडा मौसम, पेड़ पौधे, बस गर्मियों में यही मिल जाए तो जन्नत है। और ये पंछियों के लिए पानी रखा है, उसमें भी पानी सामने देखिए वो है, और बहुत अच्छा लगता है इस जगह, ये एकदम नेचर से कनेक्ट। तो अभी जा रहे हैं सर्विस सेंटर उसको के, और देखते हैं वहाँ पर क्या ठीक होता है यार। तो अभी सर्विस सेंटर भी आए और यहाँ पर बोल रहे कि बैटरी का इशू है इस फोन में, और अभी इनके पास अवेलेबल भी नहीं है, और बोल रहे कि एक हफ्ते आपको छोड़ना पड़ेगा, 7 डेज बाद मिलेगी। तो इसलिए जा रहे हैं वापस, कल ही देखते हैं मार्केट खुलेगी। देखिए संजय पैलेस से दिखाता हूँ आपको नज़ारा यहाँ से। तो ये आगरा का पॉश एरिया जो मार्केट एरिया है, ये है संजय पैलेस, यहाँ पर सभी मार्केट मिल जाएगी आपको। फाइनली फ़ोन तो हो गया सही, काफ़ी मेहनत करने के बाद सर्विस सेंटर पर नहीं, किसी लोकल दुकान पर कराया, क्योंकि सर्विस सेंटर पे तो काफ़ी टाइम लग रहा था, वहाँ बैटरी नहीं थी, आती तो 7 दिन बाद। और अभी ये है मेट्रो का जो जंक्शन आगरा में, तो अभी यहाँ पर है और अब जा रहे हैं वापस, थकाने वाला काम था आज। आंधी और मौसम भी बहुत बढ़िया है, ठंडी की हवा चल रही है और गर्मी से राहत है। आपको ताजमहल का भी इस समय ताजमहल कैसा लग रहा है देखिए, सामने जैसे कि हम देख पा रहे हैं।